हाय, मैं हूँ जिंकल। मैं हूँ विनीत। स्वागत है आपका हमारे चैनल चटरपटर में। आज हम खाने आए हैं गुजराती थाली, और वो भी इमेजिन कीजिए ग्रांड ठाकर में। पूरी थाली खाते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें दिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम ठाकर थाल में पहुंच गए हैं, और यहाँ पर एम्बियंस भी बहुत अच्छा बनाया हुआ उन्होंने, और हमको ये बैठने के लिए भी स्पेशल स्पेस प्रोवाइड किया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है आज। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः कटोरी, यानी छः सब्जी या फिर एक दो दाल, गुजराती कढ़ी भी होगी, स्वीट भी होगा कुछ। हाँ, और ये बहुत सारे सलाड्स भी दिए हैं उन्होंने। सलाड, चटनी, रायता सब दिया हुआ है। सर, केसर ड्राई फ्रूट बासुंदी। ये हो गया केसर ड्राई फ्रूट बासुंदी। ओके, और ये डे वाइज चेंज होता रहता है? स्वीट तो डे वाइज चेंज होता होगा। पूरन पूरन पूरी। ओके ओके, पूरन पूरी आप हर रोज सर्व करते हो क्या? हाँ, ये डिप करता है। ओके, और घी में थोड़ा डिप करके? डिप करके, हाँ, पूरा। और देसी घी है? देसी। हाँ, स्वीट्स ही एक्साइटिंग है। और ये खांडवी कटलेट। ओके, पता है मुझे ये खांडवी और वो सेव खमड़ी में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, फिर मैं से रोल रोल वाली ऐसे बोल देती हूँ। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है अभी तो। रगड़ा पेटीज। ओके, तो चाट में भी रगड़ा पेटीज है आज। छाछ के बिना गुजराती डिश अधूरी है, तो मसाला छाछ है। पापड़, सब्जी, okay. आलू, रसा वाला आलू, ग्रीन उंधियो, ओके, ग्रीन उंधियो, पनीर अंगारा, पनीर अंगारा, तो पनीर का भी एक सब्जी है साथ में, चौली, चौली, हाँ, कठोर हो गया, हाँ कठोर, स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। अभी से मुंह में पानी आने लगा है बहुत सारा। क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे? अरे, और तीन चार चीजें लग गई है। एक मिनट, ये गुजराती दाल, हाँ जी, ये भी गुजराती दाल, जो थोड़ा मीठा टेस्ट आता है उसमें, खट्टा मीठा, हाँ, पंजाबी दाल, पंजाबी दाल यानी दाल फ्राई, हाँ दाल फ्राई, हाँ जी। और ये सबसे बढ़िया चीज़, गुजराती कढ़ी, कढ़ी हो गया, गुजराती दाल जो होता है ना, वो बेसन से बनता है, बेसन और दही होता है उसमें से। रोटी, फुलका, गर्मा गर्म पूड़ी, पूड़ी, हाँ, छोटे छोटे, हाँ ठीक है। अभी बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है प्लेट। सॉरी, टोमेटो पुल्ला, ओके, टोमेटो चिल्ला, वो बेसन चिल्ला होता है वैसे। हाँ। आज हमारे साथ अरविंद सिंह जी भी है, यहाँ के मैनेजर है, तो वो हमको बताएंगे कि ये तो पूरा प्लेट हो गया, मगर यहाँ का स्पेशलिटी क्या क्या चीज़ है, तो अरविंद जी हमको बताएंगे प्लेट। यहाँ की सर हमारी द ग्रांड ठाकर की पूरन पूरी सबसे फेवरेट है। ओके, कि जो भी कस्टमर आते हैं वो इसी के लिए आते हैं, पूरन पूरी के लिए फेवरेट है। और केसर ड्राई फ्रूट बासुंदी है, ये भी अच्छी है, नंबर वन है। डेली का अलग होता है चेंज, हाँ, स्वीट जी, फरसान स्वीट में चेंज होते रहता होगा। हाँ हाँ हाँ, ओके, और फरसान भी चेंज होता है? हाँ, फरसान हर रोज चेंज होता है, भी चेंज होता है, बाकी दाल कड़ी जो भी है वो कॉमन सेंस है, और साग भी, ये सब्जी भी चेंज होती होगी ना? हाँ, चेंज होता है। ओके, और सुबह में आप राइस रहता है, बात राइस, और शाम को राइस खिचड़ी, खिचड़ी रहता है,
सुबह में खिचड़ी नहीं सर्व करते। शाम के शाम के टाइम में रोटी भाकरी केला भाकरी भी होता है। तो ओके ठीक है, तो अगर आपको ज्यादा वैरायटी ट्राई करना है तो शाम को डिनर के लिए आइए, तो आपको ज्यादा वैरायटी भी ट्राई करने को मिलेगा। ये हमारा पूरा थाली आ गया है। ये केसर बासुंदी है, ये गुजराती दाल है, तो गुजराती दाल खट्टी मिट्टी रहती है, थोड़ी ज़्यादा स्वीट रहती है। और ये हो गया चौरा जो कठोल है, वो एक कठोल सर्व कर दिया। एक ये पंजाबी पनीर अंगारा कुछ पनीर का सब्जी हो गया। ग्रीन उंदियू जो सूरत का फेमस है, ज़्यादातर विंटर में रहता है पर अभी अभी यहाँ वो भी सर्व हो रहा है। ये रसा वाला आलू हो गया, ये गुजराती कढ़ी है वो भी खट्टी मिट्टी रहती है थोड़ी। और ये पंजाबी दाल है मतलब दाल फ्राई हो गया। ये रगड़ा पेटीस है, ये सेव खमनी हो गई, ये पूरन पूरी जो पूरी घी में डिप की हुई है, फिर ये टोमेटो चिल्ला भी सर्व किया है और छास के बिना अधूरा है। पापड़ फुलका रोटी ये पूरी मतलब ये पूरा मील हो गया। और साथ में ये सलाद है, चटनी ग्रीन चटनी एंड रायता है। पूरा डिश तो हम आपको टेस्ट करके बताएंगे नहीं, मगर जो भी कुछ जो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा ना वो चीज़ आपको बताएंगे। कि सबसे पहले ट्राई करेंगे पूरन पूरी। और ये इतना घी वाला है, देखो ये प्लेट में भी पूरा घी घी हो गया है। और ये पूरन पूरी को गुजराती में गढ़ी रोटली भी बोलते हैं, यानी स्वीट रोटी। इसमें दाल का होता है और गुड़ से बनता है। सच में मस्त है। सबसे ज़्यादा पूरन पूरी खाई जाएगी। दूसरा ट्राई करेंगे गुजराती कढ़ी। वाह मस्त है, खटास स्वीटनेस सब कुछ एकदम बैलेंस में है। मैं ट्राई करूँगी ये गुजराती दाल। ये गुजराती दाल है ना, उसको बामन की दाल बोलते हैं। मस्त है, खट्टी है मिट्टी है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अभी मैं ट्राई करूँगी ये रगड़ा पेटिस। मैं ट्राई करूँगा ये बीन्स जो चौड़ा चौड़ा की सब्जी बोलते हैं, बीन्स है। अच्छा, और जो लोग बोलते हैं ना कि गुजराती खाना सारा खाना मीठा होता है, एक बार ये यहाँ पे आके खाना ट्राई करो। हाँ थोड़ी जो जैसे ये आलू का सब्जी हो गया, दाल हो गया, उसमें मिठास होगी मगर सब में नहीं होती है। रगड़ा पेटिस भी बहुत अच्छी है। चिल्ला ट्राई कर लूँ? हाँ ये लास्ट में चिल्ला, मगर स्टार ऑफ द शो पूरन पूरी। और ये कटलेट्स के लिए मैं चटनी भी ले लूँ। प्लेट में इतना सारा हो गया तो ये तीन चीज़ क्यों रह जाए। मगर जगह भी नहीं है अंदर कि कहाँ पे रखे। थोड़ा ये चटनी और थोड़ा ग्रीन चटनी ले लेते हैं। चटनी के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। और छास, छास के बिना खाना अधूरा है। और ये हाँ सही छास है। रायता, दही बूंदी है हाँ, मतलब दही बूंदी वाला रायता है। और ये जो पूरा थाली है उसका प्राइस 300 रुपीस है, और वो भी अनलिमिटेड अनलिमिटेड। मगर हाँ खाना वेस्ट नहीं करना है। वो गुजराती थाली का मेन चीज़ रहता है कि खाना वेस्ट नहीं करना है, जितना चाहिए उतना मिलेगा मगर वेस्ट नहीं करना। बार मिलेगा पर वेस्ट मत करना। तो चलिए हम लोग तब तक पूरा थाली एंजॉय करते हैं, बाद में मिलते हैं आपको। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ एक बात, एक बार ग्रांड ठाकर जरूर आइए।